आप में से बहुत से लोगों को यकीन ये आइडिया होगा कि रे फिशर और वार्नर ब्रोस के दरमियान क्या फटा चल रहा है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोगों को सिर्फ सरफेस का नॉलेज है उनको ये आइडिया है कि ऊपर ऊपर से क्या चल रहा है लेकिन अंदर की जो अंदर खाते की बातें हैं वो डिटेल से उनको नहीं पता तो मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डिटेल से बताऊँ कि शुरू से लेकर एंड तक अभी तक जो इस वीडियो बन रही है यहाँ तक अभी तक क्या मामला चल चुके हैं और क्या फ्यूचर में हो सकते हैं अच्छा पहले मैं आप लोगों को एक दफा इंट्रोडक्शन बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास करेक्टर कौन कौन से हैं जो इस सारे मामले में हिस्सा ले रहे हैं तो जो सबसे पहला और मेन करेक्टर है वो है रे फिशर जो कि जिसने साइबर का करेक्टर किया है जैसिस लीग में दूसरी तरफ जो पार्टी है वो है वार्नर ब्रोस की पार्टी उस पार्टी के अंदर बहुत से करेक्टर हैं जिसमें एक जॉनबर्ग है जो कि एक प्रोड्यूसर है दूसरा आपके पास जेफ जॉन्स है जो कि वो भी एक प्रोड्यूसर है मूवीज़ का और कॉमिक्स में तो बड़ा नाम है उसका इसके अलावा जॉस वीडन है और जो डीसी मूवीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं वॉल्टर हमाडा वो भी इस पार्टी में शामिल है अब वो किस तरह शामिल है वो भी आप लोगों को थोड़ी देर तक मैं बताता हूँ तो ये सारी कहानी का आगाज तब हुआ जब जैक स्नाइटर जस्डी को छोड़कर क्योंकि उनकी बेटी की डेथ हुई थी तो वो छोड़कर चले गए तो वहां पर जॉस वीडन आया जिसने सारे रीशूट करने कोशिश की तो वहाँ पर रे फिशर ने जॉस विडन को अक्यूज़ किया कि उसका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा नहीं है बहुत बुरे बर्ताव करता है यानी कि डिफरेंट अब्यूजिव बिहेवियर है और उसमें जो जॉस विडन को हौसला शिकनी करने के बजाय उसको रोकने की बजाय उसको जो हौसला बढ़ाया उसका उसमें दो लोग शामिल थे एक था जॉन बर्ग और दूसरा था जेफ़ जॉन्स जिसने उन्हें रोकने की बजाय उसका हौसला बढ़ाया और जब जॉन बर्ग तक ये बात पहुंची कि रे फिशर ने आप ये इल्ज़ाम लगाया तो उसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है ना ही हमने किसी का हौसला बढ़ाया और ना ही वहाँ पर ऐसा अब्यूसिव बिहेवियर था जोसविडन का इसके बाद रे फिशर दोबारा सरफेस पे आए और उन्होंने जेफ़ जॉन्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि उस बंदे ने रे का जो है कैरियर तबाह करने की धमकी भी दी थी उसे अच्छा इसके बाद जो है वार्नर मीडिया जो कि बेसिकली वार्नर ब्रोस की एक पेरेंट कंपनी है उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी इसके बाद रे ने यह भी ट्वीट किया कि डी मूवी के जो प्रेजिडेंट है वॉल्टर हमाडा उसने उन्हें कॉल की और यह कहा कि हाँ जी ठीक है आपने जॉस विडन के खिलाफ बात की ठीक है आपने जॉन बर्ग के खिलाफ बात की ठीक है हम आपके साथ हैं इसमें लेकिन जो आप जैफ डॉन्स का नाम ले रहे ना आप इस नाम को साइड पे करते हैं वो अच्छा है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है क्योंकि उसने कॉमिक्स में बड़ा काम किया हुआ है इनके लिए तो वो मेरे ख्याल से उसे बचाना चाह रहे थे लेकिन जो रे फिशर था वो कह रहा था कि नहीं मैं तो डूबूंगा लेकिन इन तीनों को लेके डूबूंगा अच्छा जब रे फिशर ने ये बात की ना कि वॉल्टर हमडा का नाम बीच में आ गया तो वार्नर ब्रोस ने इस सारी बात को डिनाई कर दिया पब्लिकली और ये कहा कि वॉल्टर हमडा के साथ तो ऐसी उसकी कोई बात नहीं बल्कि रे फिशर जो है वो इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहा हमारे साथ जिस पर रे फिशर का ये कहना था कि हाँ उसे एक कॉल आई थी इन्वेस्टिगेटर की बेसिकली हुआ ये कि वार्नर ब्रोस ने ना एक कंपनी हायर की जो कि सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो कि एक थर्ड पार्टी कंपनी थी तो रेफ फिशर का यह भी कहना था कि वार्नर ब्रोस ने क्यों हायर की वार्नर मीडिया ने क्यों नहीं हायर की वार्नर मीडिया बेसिकली ऊपर वाली कंपनी है और वार्नर ब्रोस उसके अंदर आती है खैर रेफ फिशर का ये कहना था कि मुझे एक कॉल आई थी और जब उन्होंने कॉल पर मुझसे सवाल पूछे तब मेरे पास मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मेरा लॉयर वगैरह साथ में नहीं था तो मैंने उन्हें यह कहा कि मुझे अपने लॉयर को बुला लेने दें फिर जो है वो उसके साथ बैठ कर मैं डिस्कस करके आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा जिस पर वार्नर ब्रॉस ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि जो रे फिशर है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा और इसके अलावा रे फिशर का यह भी कहना था कि इस सारे जज्बात में आकर गुस्से में आकर वार्नर ब्रॉस उसके खिलाफ एक पीआर कैंपेन भी चला रहा है यानी कि उसको डिफेम करने की कोशिश भी कर रहा है क्योंकि रे फिशर ने जो वोल्टर हमाडा वाली बात की ना उससे उनको बड़ा धचका लगा था तो वो काफ़ी गुस्से में हैं अच्छा अभी तक जो बात थी वो इन लोगों के दरियान थी लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस ट्रेंड को पकड़ना शुरू किया देखना शुरू किया कि क्या मामला चल रहे हैं तो जो रे फिशर के साथ जो काम करते हैं जस्टिस लीग में जो उसकी मदर का रोल प्ले कर रही थी या जो आयरस वेस्ट का रोल प्ले कर रही थी उन्होंने हैश टैग आई स्टैंड विद रे फ़िशर के जो है ट्वीट्स वगैरह करना शुरू किए इसी तरह आकुआ मैन का जो लीड रोल्स में है उन्होंने भी उसको बर्थडे विश किया जब तो इंस्टाग्राम पर तो तब भी उन्होंने यही हैश यूज़ किए अच्छा फिर यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्विस्ट आया एक

ने बदतमीजियाँ वगैरह की अब्यूजिव बिहेवियर किया उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का भी कहा कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये भी कहा कि मैं भी रे फिशर का साथ रहूँ यानी कि उन्होंने भी वो हैश यूज़ किया आई स्टैंड विद रे फिशर जिसके बाद रे फिशर ने यह कहा कि ये आपको लग रहा है कि फ्रॉस्टी मूवी ही सिर्फ ऐसी बात थी कि उन्होंने पी आर के ज़रिए यह जो मेरा मामला है इससे बात हटाने की कोशिश की और लोगों का कहा कि हाँ यार ये हम मूवी बना रहे हैं आप सारे इस तरफ देखो मेरी तरफ़ से अटेंशन हटाने के लिए ये सिर्फ़ एक बात नहीं है जो बेनफ्लैक वाली बात थी कि वो बैटमैन होगा दोबारा आएगा एच मैक्स वगैरह पे या फिर न्यू जो फ्लैश वाली मूवी है उसमें बेनफ्लैक्ट दोबारा बैटमैन के तौर पर आएंगे वो इन्होंने अनाउंस करना था डी फैंडम में लेकिन मेरे मामले से बात हटाने के लिए इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया ताकि सारे लोगों की अटेंशन वहाँ पर डाइवर्ट हो जाए और मेरी तरफ लोगों की अटेंशन कम रहे और मुझे तो लग रहा है कि अभी एक आध दिन पहले जो सुपरमैन वाली न्यूज़ आई है हैंनरी केवल की कि हैं कैवल ने तीन मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है सुपरमैन की तो वो भी शायद इसी पी कम, आर कंपेन का हिस्सा हो कि रे फिशर वाले मामले से जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो तो ये है अभी तक की स्टोरी जो इस वीडियो के बनाते वक्त तक हो चुकी है अच्छा अब मैं यहाँ पर ना आप लोगों को एक छोटा सा वाक्य जानना चाहूँगा आपको याद है एंड्रयू गारफील्ड जिसने अमेजिंग स्पाइडर की थी मूवी आपको रियल रीजन पता है कि जो अमेजिंग स्पाइडर मैन क्यों नहीं आई थी हुआ यह था कि सोनी वालों ने एक इवेंट रखा था जो उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह है ना बड़े लोग उन्होंने इवेंट रखा था जहाँ पर एंट्री का आना बड़ा लाजमी था तो हुआ यह कि वो वहाँ से गायब था और पहुंचा ही नहीं वहाँ पर जिस पर जो है कंपनी वालों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे अमेजिंग स्पाइडरमैन थ्री से क्या करती है निकाल दिया ना ही बल्कि वो मूवी बनाई जबकि एंड्रयू गारफील्ड का कहना था कि वो वहाँ पर इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था अब आप अंदाज़ा करें कि ये कोई मेरा नहीं ख्याल की को बहुत बड़ी बात थी लेकिन ये जो कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं इनकी ईगो भी इतनी ही बड़ी होती है इवन कि आप कोई छोटी कंपनी देखने अपने इलाके की उनका जो मालिक होता है या कोई बड़े अफसर होता है वो अपने आप को पता नहीं शनशा समझता है कि उसने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है और लोग प्रोफेशनल भी उसे मानते हैं जो उनकी हर बात को फॉलो करता है यानी जैसे अभी आप देखें कि रे फिशर वाले मामले में वॉलर हमारा ने उसे फ़ोन किया और बड़े कॉन्फिडेंस में उसे एक बात की लेकिन रे फिशर ने उस सारी बात को पब्लिक कर दिया यानी जिसे वो कहते हैं ना अनप्रोफेशनल बिहेवियर अब आप देखें कि वनर ब्रोस ये देखेगा कि यार कि ये बंदा तो हमारे खिलाफ बातें कर रहा है हमारे डायरेक्टर के हमारे प्रोड्यूसर के और प्रेसिडेंट के इवन के प्रेसिडेंट के खिलाफ बातें कर रहा है और वो भी पब्लिकली कर रहा है तो हम आने वाली मूवीज़ में इसे क्यों रखें और जाहिर सी बात है ये जो प्रेसिडेंट वग़ैरह होते हैं ये इनके लिंक भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये किसी और कंपनी में जाएगा तो वहाँ पर भी लोग कहेंगे कि, कि यार ये इसका याद है वो मामला कि जब इसने वनर ब्रोस के ख़िलाफ़ एक कंपेन चलाई थी बड़ा मामला चला था तो इसके साथ काम करना हमें कोई मुनासिब नहीं लग रहा तो फिर ऐसा होता है कि सामने जो दूसरे दरवाजे हैं जॉब के लिए वो भी बंद होना शुरू हो जाते हैं तो अगर इस सारे मामले में मैं अपना ओपिनियन ना तो मेरे ख़्याल से आप अगर समझते हैं कि आप राइट हैं और आप जस्टिस के साथ हैं तो आपको एक स्टैंड लेना चाहिए जिस तरह ने लिया उसको लगता है कि वो राइट है जो गलत हुआ उसके खिलाफ वो खड़ा है अब वो गलत है या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा हम अभी से ये नहीं कहेंगे कि जो है विडन गलत था ये जेफ जॉन्स गलत था लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है क्योंकि अगर आप स्टैंड लेते हैं जसिस के साथ जो आपको सही लगता है उसके साथ स्टैंड लेते हैं तो दस जगह से दरवाज़ा बंद होगा तो कहीं ना कहीं एक जगह से दरवाज़ा नया खुल ही जाएगा आपके लिए जहां से आपको अच्छा जो है वो रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा और इज़्ज़त की रोटी मिल जाएगी शुरू में ये काम बड़ा मुश्किल होता है और मामला काफ़ी तंग होते हैं आपके ख़िलाफ़ लेकिन मैटर क्या करता है वो एंड रिज़ल्ट करता है कि आपने एंड पर क्या पाया और पूरी दुनिया वही याद रखती है कि एंड पे क्या हुआ तो खैर उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉमेशन पता चल चुकी होगी जिन लोगों को इस सारे मामले का नहीं पता था तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें ना करें कोई ऐसा मसला नहीं है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने पर कोई पाबंदी है बस आप खुश रहें खुश रखें अल्लाह हाफिज़